हेलो स्टूडेंट्स, मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ एस मनोरमा क्लासेस में। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि काफ़ी टाइम से सभी के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि एमटीएस का फॉर्म भी फिलअप हो गया और डेट की अगर बात करें तो अभी कोई एक पर्टिकुलर डेट हमें नहीं मिल पाई है आयोग की तरफ से। आयोग ने बस एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर बस ये दिया था, जब कैलेंडर भी जारी हुआ था तब भी बस इतना ही मेंशन किया था कि अप्रैल में आपका एग्जाम होना है। अब सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल रहा है कि एग्जाम है कब, अप्रैल तो दे दिया है लेकिन एग्जाम की कोई डेट तो मिले जिससे कि हमारी प्रिपरेशन जो है उसमें थोड़ी सी और तेजी आ जाए। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एग्जाम डेट जो है पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक डेट हमें पता चल जाए कि कब है तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जो है एडमिट कार्ड कब आने वाला है और उसके साथ अभी जो आपके पास ये जो कुछ दिन बचे हुए हैं उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसी के बारे में ये प्रॉपरली वीडियो होने वाला है। चलिए फिर बात करते हैं इसके बारे में कि अभी जो है आयोग की तरफ से कोई एक नोटिफिकेशन तो आया नहीं कि भाई जो है एक डेट हम बता दें, तो मैं ऐसा कोई डेट पर्टिकुलर आपको नहीं दूंगी। लेकिन अभी तक आइडिया सब लोग यही लगा रहे हैं कि देखिए अप्रैल में होने वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका डिले कब तक हो सकता है, तो 25 अप्रैल तक। लेकिन आप 15 अप्रैल मान के चलिए कि 15 अप्रैल तक आपका एग्जाम होगा, मैथ्स टू मैथ्स देरी होगी तो आपका 25 अप्रैल, क्योंकि अभी आप लोगों का CHSL का एग्जाम चल ही रहा है तो इसीलिए हो सकता है 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम हो। इसके साथ ही देखिए अब बात करें जो है आयोग की तरफ से, ये आयोग ने जो नोटिस जब निकाला था आपका एप्लीकेशन फॉर्म जब आया था तो उसमें एक डेट मेंशन की थी कि अप्रैल में आपका एग्जाम होना है। अब इसमें देखिए जैसे कि मैंने बताया कि मैक्स टू मैक्स जो है आपका, अगर बात करें मैक्स टू मैक्स आपका 25 अप्रैल, ठीक है, बट हम इसको 15 अप्रैल से लेकर चलेंगे कि 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम होना है। तो जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं ना कि आयोग ने अभी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी है तो देरी करेंगे, भाई हम तभी जो है ध्यान से उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज और याद रखिए, अभी जो है आपका एग्जाम हम मानकर चल रहे हैं 15 से 25 अप्रैल होना है, ठीक है। उसके बाद जो है जब आपकी अब कोई भी एग्जाम होता है उससे पहले आपका एक हफ्ते पहले ही एडमिट कार्ड आता है, तो एडमिट कार्ड के लिए आपको जो है एक हफ्ते पहले ही पता चल पाएगा कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें मेंशन होगा कि आपका एग्जाम कब है। और ये मत सोचेगा कि सभी का एक साथ आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग जोन में आपका एग्जाम होता है तो किसी का पहले एडमिट कार्ड आएगा, किसी का बाद में आएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, ये समझिए जब भी एग्जाम होगा, मान लीजिए 15 अप्रैल को है तो आपका जो है अब इससे जो है हम एक हफ्ता पहले मैक्स टू मैक्स हम जो है मानकर चलते हैं 8 से 9 अप्रैल तक आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन अगर 25 अप्रैल डेट आती है तो ये समझिए 17 से मतलब 15 के बाद ही आपका एडमिट कार्ड शो होगा, ठीक है। तो ये रही एडमिट कार्ड और जो है एग्जाम डेट की बात। अब बात करते हैं आगे कि आप जो है अभी ये जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब एस मनोरमा क्लासेस में आप लोग जानते हैं कि हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है। जैसे कि बात करें आपका सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, आपका जीएस है, इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश हो गया, आपका मैथ्स हो गया और रीजनिंग। तो दो सब्जेक्ट आप लोग जानते ही हैं कौन कौन से सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं। उसके साथ ही ये आपका स्कोरिंग है 75 इसका हो गया जीएस का, 75 आपका हो गया इंग्लिश का। तो इन दोनों सब्जेक्ट पर आपको अच्छे से कमांड बनानी है, ऑब्वियसली भाई यही आपका स्कोरिंग है तो जो स्टूडेंट्स इन पर अच्छी कमांड रखेगा वही रिजल्ट आपका आपका मतलब आप जो है बना पाएंगे। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए जो है यूट्यूब पर सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो है फ्री में जो है क्लासेस एस मनोरमा क्लासेस जो है दे रहा है, फ्री में जो है आपकी क्लासेस है, PDF भी आपको जो है फ्री में मिल रहा है। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से साथ ही एस मनोरमा क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत मस्त है, क्लासेस लीजिए, रिवीजन क्लासेस मोस्टली चल रही हैं तो रिवीजन के साथ साथ उसको प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, PDF के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। एक चीज और, जब ये क्लासेस लेने के बाद आपको लगता है ना, अभी एक चीज और कीजिएगा कि जो आपके बड़े बड़े नोट्स आपको दिए जाते हैं ना कि ये वाला नोट्स आप पढ़ते रहिए, वो तो पढ़ने हैं लेकिन जहां पर आपको डाउट लगे उसको शॉर्ट नोट्स में रखिए। जब एग्जाम आएगा आपका एक हफ्ते के अंदर उसको जल्दी जल्दी से रिवीजन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्लासेस के बाद अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आपने कितना पढ़ा है और कितना पढ़ने की जरूरत है। कैसे पता चलेगा, टेस्ट के थ्रू। तो इसीलिए MTS के पैटर्न पर जो है एस मनोरमा क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आया है, ₹5 में 50 टेस्ट, सेम जो है इसमें पैटर्न रखा गया है, बस मैथ और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन कर दिए गए हैं क्योंकि उसमें 20-20 पूछा जाता है।
200 मार्क्स का आपका टेस्ट है, ठीक है, 200 मार्क्स का आपका टेस्ट होने वाला है, जिसमें हर सेक्शन से आपका जो है 50-50 जो है आपका नंबर का जो है क्वेश्चन रखेंगे, मतलब 25-25 क्वेश्चन हर सेक्शन से है। तो ये टेस्ट आपको 5 रुपए में 50 टेस्ट आपको दे रहा है। इसके साथ ही ये टेस्ट लगाएंगे जो भी हमारा विनर होगा। देखिए, दो टेस्ट होने हैं आपके वीक में, एक वेंसडे एक संडे। आज संडे है, एक टेस्ट आपका दोपहर में 2 बजे, टाइमिंग सभी की जो है अगर बात करें वीक में 2 बजे आपका दो दिन टेस्ट होगा, वेंसडे और संडे को टाइम, ठीक है। तो ये टेस्ट जरूर लगाएगा, बहुत जरूरी है टेस्ट देना, खुद को एनालिसिस करना। तो फिर बस मिलते हैं अब क्लासेस में। आज का इंफॉर्मेशन वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।